नमस्कार दोस्तों, मोटोरोला ने अपना एक 5G फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, जो कि है मोटो G82। यह एक 5G स्मार्टफोन है और इसके अंदर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे लेवल का है। तो चलिए आज के इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे प्राइसिंग, डिस्काउंट ऑफर और सेल डेट के बारे में, और आपको ये फोन बाय करना चाहिए फिर नहीं इसके बारे में भी। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को शेयर करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो मोटो G82 5G स्मार्टफोन है, यह एक प्योर 5G स्मार्टफोन है, बिकॉज इसके अंदर 13 5G के बैंड है, जो कि 5G पर्पज से काफी सही हो जाता है। और जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी अच्छे लेवल का है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ओवरऑल बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो है 6.6 इंच का फुल HD प्लस है, और यहाँ पर डिस्प्ले है वो है POLED, जो कि काफी अच्छे लेवल का डिस्प्ले है। और इस डिस्प्ले में दिया जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट और 360 का टच स्नैप रेट भी दिया गया है। मतलब डिस्प्ले वाइज ये फोन काफी अच्छा है और कैमरा वगैरह भी इस फोन का काफी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे दिया गया है 50 MP का AI ट्रिपल कैमरा जो कि आता है OIS के साथ। उसका 16 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है और इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 695, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और इस फोन में दिया गया है LPDDR4X का रैम और UMCP का स्टोरेज टाइप, जो कि नियर अबाउट UFS 2.1 के अप्रोक्स है। उसके बाद इस फोन में दिया गया है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आता है 30W चार्जर सपोर्ट के साथ, और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर इस फोन का कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जान लिया। वैसे ये फोन लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे दो कलर और दो ब्रांड है। पहला है 6128 का और दूसरा है 8128 का, और दोनों ब्रांड काफी अच्छे लेवल का है और डिस्काउंट इस पर काफी अच्छे लेवल का है। और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये फोन काफी सस्ते का मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे इस फोन का जो लुक एंड डिजाइन है वो भी काफी इम्प्रेसिव है और प्रीवियस मोटोरोला के फोन के जैसा ही है। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पर प्राइसिंग भी काफी सही रखा गया है। यहाँ पर जो 6128 का ब्रांड है इसका प्राइसिंग है 21,500 रुपए, और जो 8128 का ब्रांड है इसका प्राइसिंग है 23,000। तो प्राइसिंग कुछ इस तरीके से रखा गया है। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो फर्स्ट सेल के लिए है, और यहाँ पर बैंक ऑफर को भी काफी अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर जो बैंक ऑफर है वो है SBI बैंक के साथ, और आपको यहाँ पर मिलेगा 1500 रुपए का डिस्काउंट, जो कि मिलेगा SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ। और इस डिस्काउंट को ऐड करने के बाद आप मोटो G82 5G स्मार्टफोन के बेस ब्रांड को अंडर 20K में बाय कर सकते हो। तो आपने अब डिस्काउंट ऑफर के बारे में जान लिया, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है उसे आप दोनों ब्रांड पर अप्लीकेबल कर पाओगे। तो डिस्काउंट काफी अच्छा है और अंडर 20K में ये फोन काफी अच्छा हो जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको ये फोन बाय करना चाहिए फिर नहीं। तो देखिए, इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे फोन हैं जो कि स्नैपड्रैगन 695 पर लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन, उसके बाद रियलमी 9 प्रो स्मार्टफोन है। ये दोनों फोन में स्नैपड्रैगन 695 ही दिया गया है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो रियलमी 9 प्रो है, इसका प्राइसिंग 18,000 के अप्रोक्स है। वही रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन है, इसका भी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, और डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये फोन देने को मिलता है अंडर 20K में। तो प्राइसिंग दोनों फोन का सिमिलर ही है, और उसी के अप्रोक्स में यहाँ पर जो मोटो G82 5G स्मार्टफोन है उसका भी प्राइसिंग है। आप यहाँ पर देख पाओगे इसका जो प्राइसिंग है, यानी डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइसिंग है वो है अंडर 20K, यहाँ पर कहे तो 20K है। तो 20K में ये फोन काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज जो भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है वो काफी अच्छे लेवल का है। और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोटो G82 5G स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग कुछ ज्यादा नहीं है, बिकॉज डिस्काउंट वगैरह करने के बाद ये अंडर 20K में काफी सही रहता है, बिकॉज इसके अंदर स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे लेवल का दिया गया है। और यहाँ पर जो इसका पहला सेल है वो आने वाला है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर 14 जून को 12 PM में। तो आपने यहाँ पर मोटो G82 5G स्मार्टफोन के प्राइसिंग, डिस्काउंट ऑफर और सेल रेट के बारे में जान लिया। तो बस आज के इस वीडियो में बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करो। धन्यवाद।